हेलो एवरीवन वेलकम टू समता एजुकेशन ट्रस्ट दिस इज नीलम योर मेंटर फॉर इंग्लिश एंड आज से हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस मतलब कि जितने भी हमारे प्रीवियस सेशंस थे हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हम सेम टॉपिक पर भी

इन ईच ऑफ द्वेशन ग आपको एक ईडीएम या फ्रेज दिया गया है एंड उसके नीचे उस ईडीएम के मीनिंग आपको यहाँ पर डिटरमाइन करना है एंड उसके लिए आपको पांच ऑप्शन भी दिए गए हैं यू हैव टू चूज दिच बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ दम का आपको मीनिंग बताना होगा

स्टूडेंट्स के सॉरी आंसर्स एक मिनट में नहीं आ पाते इस वजह से सो so, शुरू करते हैं आज का सेशन सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ So time up guys, one more minute. सो लेट्स चेक आई होप सभी का आंसर आ चुका है बैकसीट ड्राइवर जिसका मतलब होता है ऐसा कोई जो अनवांटेड एडवाइस आपको दे है ना जरूरत नहीं है फिर भी उससे हम मांग भी नहीं रहे एडवाइस लेकिन फिर भी वो आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि ऐसा यू शुड डू दिस यू शुड नॉट डू दिस इस तरीके से जो पर्सन होते हैं उन्हें हम कहते हैं बैक सीट ड्राइवर सो यहाँ पर देखते हैं एंड इवन दैट जो infrequently होता है मतलब कि जो फ्रिक्वेंटली नहीं होता है कभी कभी होता है नहीं ये गलत हो जाएगा पर्सन हु जिसके पास बहुत सारी कार्स होती है नहीं ये भी एलिमिनेट एन एक्सपर्ट ऑफ द सब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो कोई पर्सन एक्सपर्ट होता है उसे क्या कहते हैं ड्राइवर नहीं ये भी एलिमिनेट हो जाएगा अ पर्सन हु मैनेजेस टैक्सी सर्विसेज को मैनेज करता है नहीं सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फाइव ही होगा क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके एनी वन हुफर्स अन एडवाइस मतलब ऐसी एडवाइस जो हमें चाहिए भी नहीं है हम मांग भी नहीं रहे उसे हमें सुननी भी नहीं होती लेकिन फिर भी वो एडवाइस दिया जाता है कि आप ऐसा कीजिए ऐसा मत कीजिए ये कीजिए वो कीजिए उस पर्सन को हम कहते हैं बैकसेट ड्राइवर सो करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर फाइव हियर नेक्स्ट क्वेश्चन Time up guys. लायंस शेयर लायन आपको पता है जंगल का राजा होता है एंड उसका जो शेयर है अब ये जंगल का राजा है लायन एंड इसका जो शेयर होगा वो कैसा होगा सबसे बड़ा होगा बाकी सारे एनिमल्स से सो so यहाँ पर देखते हैं शेयर इन प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी नहीं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें जो शेयर होता है नहीं किसी भी चीज का सबसे बड़ा जो पार्ट होता है सबसे बड़ा जो शेयर होता है उसे हम कहते हैं द लायंस शेयर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग यस किसी भी चीज का सबसे बड़ा जो पार्ट होगा सबसे बड़ा जो शेयर होगा उसे हम कहते the smallest part of something, नहीं. Pray, pray मतलब क्या होता है? Uh, उसका शिकार, तो ये तो ये गलत हो जाएगा नन ऑफ अबव भी नहीं सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर 2 मतलब किसी भी चीज का सबसे बड़ा जो पार्ट होता है सबसे बड़ा जो शेयर होता है उसे हम कहते हैं uh, लायंस शेयर या लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग है ना जैसे ही मैंने कहा विलियम डिड द लायंस शेयर ऑफ द वर्क मतलब विलियम एक पर्सन है उसने क्या किया डिड द द लायंस शेयर ऑफ वर्क मतलब जितना भी काम था ना उसका लायंस शेयर किसने किया विलियम में मतलब कि सबसे बड़ा सबसे बड़ा जो पार्ट था वो किसने किया सबसे बड़ा उसमें uh, काम किसने किया विलियम ने किया नेक्स्ट क्वेश्चन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ कोई इंसान जब बहुत ही डिसेंट होता है तो कैसा होता है वो uh, मतलब वो दूसरों की बहुत रेस्पेक्ट करता है वो बहुत ही कर्चियस होता है वो बहुत ही पोलाइट होता है सो नॉट अ स्पार्क ऑफ एक भी स्पार्क नहीं है डिसेंसी का मतलब बिल्कुल भी कोई इंसान अगर डिसेंट नहीं है तो वो कैसा होगा नो रिग्रेट फॉर अस्टेक वो रिग्रेट नहीं करता मिस्टेक की नहीं ये रिलेटेड नहीं है अगर वो डिसेंट नहीं है मतलब पोलाइटनेस मतलब नहीं, 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 नहीं है उसे हम क्या कहेंगे अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी सो नो मैनर्स यस बिल्कुल सही हो जाएगा नो अफेक्शन टुवर्ड्स एनिमल ये गलत हो जाएगा नो रेस्पेक्ट टूवर्ड्स एल्डर ये भी देखिए ये तो

wild goose chase आई होप सभी को आंसर मिल चुका होगा ये बहुत ही फेमस idiom है फेमस बहुत ही ज्यादा एग्जाम में भी पूछा जाता है बैंक में एसएससी में हर जगह ये पूछा जाता है एंड इसे शायद हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सो लेट्स चेक वाइल्ड गूज वाइल्ड मतलब जंगली गूज एक एनिमल होता है वाइल्ड एनिमल होता है जंगली एनिमल चेज एंड चेज करना मतलब क्या होता है पीछा करना है ना किसी के पीछे जाना किसी का पीछा करना अब ये इतना बड़ा एक वाइल्ड जंगली एनिमल है एंड एन इसका अगर आप पीछा करोगे तो क्या मिलेगा आपको कुछ मिलने वाला है नहीं कुछ भी नहीं मिलने वाला है मतलब ये जो मेहनत आप कर रहे रहे हो हो उसका पीछा करने की उसके पीछे भाग पूरे जंगल भर भाग रहे हो थक रहे हो बीमार हो, हो रहे हो तो क्या मिला आपको इस चीज को करके ये चेज करके इस वाइल्ड घूस को कुछ भी नहीं मिला ना कुछ भी हाथ नहीं लगा मतलब ये जो चीज थी कि हाँ मुझे इस घूस को पकड़ना है तो क्या आपके पकड़ में आएगा ये तो वाइल्ड एनिमल है है ना तो आपने जितनी भी मेहनत की यहाँ पर जितने भी एफर्ट्स लगाए वो सारे कैसे हो गए फ्यूटाइल हो गए मतलब कि वो ऐसे ही व्यर्थ में चले गए सो देखते हैं टू तो सर्च फॉर अ वाइल्ड गूस किसी वाइल्ड गोस को सर्च करना नहीं टू चेज वंस ड्रीम पैशनेटली किसी के uh, मतलब कोई होता है ना अपने ड्रीम्स के पीछे पैशनेटली बिल्कुल दिन रात भागता है उसी के पीछे मेहनत करता है नहीं टू अचीव समथिंग विद कम्प्लीट डेडिकेशन कम्पलीट डेडिकेशन एंड एफर्ट्स के साथ किसी चीज को अचीव करना नहीं अ फुलिश एंड होपलेस सर्च ऐसी सर्च जो बिल्कुल फुलिश है पागलपन है समथिंग अनअटेनेबल मतलब ऐसी कोई चीज जो अनअटेनेबल है अन अटेनेबल का मतलब क्या होता है जो अनरीचेबल है जहां तक हम पहुंच नहीं सकते या ऐसी कोई चीज जो अन अचीवेबल है जिसे अचीव नहीं किया जा सकता है ऐसी कोई चीज के पीछे अगर हम भागेंगे तो क्या हो जाएगा ये होपलेस या फुलिश सर्च होगा ना ऐसी कोई चीज जिससे हमें कोई रिजल्ट ही नहीं मिलने वाला उस चीज को हम कर रहे हैं उस चीज में बहुत मेहनत लगा रहे हैं उसे हम कहते हैं वाइल्ड चेस तो हुआ पर देखिए सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर फोर होगा एंड टू डू समथिंग बैडली और चिपली यहाँ पर ये भी एलिमिनेट हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन

तो so, यहाँ पर ये एक डीएम देखने को मिला था मुझे एडिटोरियल में कि अब यहाँ पर बोला जा रहा है यहां तो किट था यानी बकेट को अगर किक कर रहे हो मतलब कि किसी किसी की डेथ हो रही है है या किसी, हाँ ना समवन इज पासिंग अवे ही या पास्ड अवे लेकिन यहाँ पर किक द कैन अब कैन को किक दी जा रही है कहा डाउन द रोड रोड के नीचे है ना रोड पर किसी कैन को अगर हम आ, किक कर रहे है इसका मतलब था यहाँ पर टू अवॉइड और डिले डीलिंग विद प्रॉब्लम मतलब कि कोई प्रॉब्लम आपके सामने आकर खड़ी हो गई है एंड उस प्रॉब्लम को आप अवॉइड कर रहे हो उससे डील नहीं कर रहे हो है ना कि ठीक है चलो देखेंगे बाद में देखेंगे कल देखेंगे एक महीने बाद देखेंगे मतलब कोई प्रॉब्लम आके खड़ी है उस प्रॉब्लम से आप डील नहीं कर रहे हो उसका कोई सोल्यूशन फाइंड नहीं कर रहे हो उसे अवॉइड कर रहे हो इसे हम कहते हैं किक द कैन डाउन दी रोड सो ये जो इडीएम था ये गवर्नमेंट के लिए किया था कि मतलब so, यहाँ पर दो इडीएम देख ली है एक था टू किट जिसका मतलब था पास अवे या डेथ हो जाना एंड दूसरा है किन डाउन दी रोड जिसका मतलब होता है चीजों को अवॉइड करना या प्रॉब्लम को अवॉइड करना उसका सोल्यूशन फाइंड न करना नेक्स्ट क्वेश्चन

फिट होगा एंड दूसरी चीज का जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते डिरेक्शन अच्छे से पढ़ना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है सो so, टाइमर भी शुरू कर देते हैं यहाँ पर योर टाइम स्टार्ट नाउ so let's check when I woke up after the surgery मतलब सर्जरी होने की यहाँ पर बात की जा रही है and surgery के बाद जब मुझे होश आया i felt मैंने feel किया as though जैसे कि I was in a dash environment अब environment noun है यहाँ पर क्या आ जाएगा adjective सो डैश एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ दी एनेस्थेशिया मतलब एनेस्थेशिया जो मेडिसिन दी जाती है ना बेहोशी के लिए अनकॉन्शियस करने के लिए तो so, एनेस्थेसिया की वजह से मुझे लगा कि मैं कैसे एनवायरमेंट में हूँ देखते हैं ड्रीम्ड एनवायरमेंट सपना देख रही हूँ ड्रीम्ड एनवायरमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा एंड ये ड्रीम्ड वर्ब है यहाँ पर तो so, ये तो गलत हो जाएगा सूरियल एप यहाँ पर ये यह जो होता है सरियल इसका मतलब होता है बिजेर या जिसे हम कहते हैं बिल्कुल अजीब सा बेतुका अजीब सा अनोखा सो यस ये हमारा आंसर हो सकता है नेक्स्ट जो वर्ड है यह है बोलस्टर बोलस्टर का मतलब होता है किसी चीज को सपोर्ट करना किसी चीज को सपोर्ट करना या किसी चीज को बूस्ट करना हम यहाँ पर कह सकते किसी चीज को स्ट्रेंथन करना और मजबूत करना फिर नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेस्ट एंड क्वेस्ट का मतलब होता है सर्च किसी चीज को हम सर्च कर रहे हैं बहुत ज्यादा या हंट भी कहते हैं ना तो सर्च या हंट इसके सिनोनिम्स होंगे देन नेक्स्ट वर्ड इज स्लीवर स्लीवर का मतलब होता है किसी चीज को कट समथिंग इनटू स्मॉल पीसेस बहुत ही छोटे छोटे थिन पीसेस में आप अगर कन्वर्ट uh, करते हो उसे काटते हो उसे हम कहते कट करते उसे हम कहते हैं यहां पर स्लीवर सो so, यहां पर बात करें ये जो सूर्यल uh, suri, uh, जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि

And your time starts now. लेट्स चेक बिफोर क्रूज शिप मतलब डिपार्ट होने के पहले पहले निकलने से पैसेंजर्स आर रिक्वायर्ड पैसेंजर्स को मतलब uh, एक रिक्वायरमेंट होती है किस चीज की टू डैश एट द स्पेसिफाइड स्टेशन कि स्पेसिफाइड स्टेशन पे आपको डैश करना है मतलब पहुंचना है रीच होना है कलेक्ट होना है इस तरीके का कोई वर्ड आएगा फॉर अ सेफ्टी ब्रीफिंग सेफ्टी ब्रीफिंग के लिए कि आपको जैसे अभी होती है सेफ्टी ब्रीफिंग मास्क पहनना गाइडलाइंस दी जाती है मतलब यहाँ पर वर्ब आएगा टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी टू मस्टर मस्टर का मतलब होता है कलेक्ट कर होना सो यस ये आंसर हो सकता है कि स्टेशन पर सारे लोग कलेक्ट uh, हो जाए या जिसे हम असेंबल भी कहते हैं अवॉइड अवॉइड करना नहीं टू अवॉइड एट द स्पेसिफाइड स्टेशन नहीं क्योंकि बोला जा रहा है कि डिपार्ट जो शिप डिपार्ट होती है निकलती है मतलब किसी स्टेशन से जब है ना ट्रेन निकलती है शिप निकलती है उसे डिपार्ट कहते हैं तो उससे पहले पैसेंजर्स को कहाँ स्पेसिफाइड स्टेशन पर तो कलेक्ट होना पड़ेगा अवॉइड तो गलत हो जाएगा डिस्पोज टू के साथ बेस फॉर्म आता है वर्ब का ये तो पहले ही एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी जैसे कि यहाँ पर ये मस्टर बिल्कुल सही जा रहा है इस सेंटेंस के साथ डिस्पर्स अगर होता तो चलो मान भी लेते लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिस्पर्स नहीं पैसेंजर्स तो अब ये पर्टिकुलर किसी शिप से जाने वाले हैं तो डिस्पर्स मतलब क्या होता है स्कैटर मतलब कि फैल जाना या हम जिसे स्प्रेड भी कहते हैं तो ये तो बिल्कुल अपोजिट वर्ड हो जाएगा रिक्वायर्ड वर्ड के बिल्कुल अपोजिट वर्ड है ये एंड ये पास्ट फॉर्म में भी है टू के साथ बेस फॉर्म लगता है वर्ब का मतलब फर्स्ट फॉर्म लगता है कॉन्ग्रीगेशन Cong अब कॉन्ग्रीगेशन टी आई ओ एन आई इसका मतलब ये नाउन है एंड यहाँ हमें नाउन की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है हमने तो देख लिया टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आएगा कॉन्ग्रीगेशन जो होता है इसका भी मतलब होता है गैदर होना इकट्ठा होना कलेक्ट ही होता है मतलब हम कह सकते हैं कि ये मस्टर और ये कॉन्ग्रीग्रेशन जो है ये दोनों वर्ड सेम ही है लेकिन ये नाउन है हमें तो वर्ब की जरूरत है ना इसलिए ये भी एलिमिनेट हो जाएगा एंड प्रिटेंड करना प्रिटेंड मतलब क्या होता है दिखाना जो है नहीं वो हम दिखा रहे हैं प्रिटेंड कर रहे हैं आ, कुछ और चीज को उसे हम कहते हैं प्रिटेंड करना सो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा सो करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर ओनली वन ईयर दैट इज मस्टर मस्टर मतलब कलेक्ट या असेंबल करना नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ time up guys So let's check. The president will only respond. वो सिर्फ respond करेंगे response देंगे किसका to media questions का that are मतलब कि media questions and जो media questions है that are वो कैसे होंगे अब यहाँ पर देखिए मीडिया क्वेश्चन ये तो नाउन हो जाएगा एंड क्वेश्चन के बारे में कि ऐसे क्वेश्चन जो डैश होंगे मतलब नाउन के बारे में बताने वाला वर्ड यहाँ पर आएगा इसका मतलब यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा एडजेक्टिव को हिंदी में क्या विशेषण कहते हैं विशेषता कि ऐसे क्वेश्चन जो क्या होंगे डैश होंगे टू इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब ऐसे क्वेश्चन जो इकोनॉमिक क्राइसिस से शायद रिलेटेड होंगे

रेलिवेंस तो यहाँ पर अगेन नाउन है किसी चीज का रेलिवेंस या हम कह सकते हैं रेलिवेंस का मतलब होता है क्लोजली कलेक्टेड या क्लोजली कनेक्टेड होता है ये रिलेटेड ही होता है लेकिन अगर ये रेलिवेंट होता तो ये सही होता लेकिन यहाँ रेलिवेंस आया ये नाउन की तरह काम करेगा ये एलिमिनेट हो जाता है कनेक्ट नहीं दैट आर कनेक्ट नहीं होगा कनेक्ट तो वर्ब है सो तो ये भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है जर्मन एन यस जर्मन यहाँ पर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है रेलिवेंट टू दी सब्जेक्ट मतलब कि जो है, है, so, रिलेटेड है कि रेलिवेंट है इकोनॉमिक है, मतलब है, मतलब है, है. जर्मन ये दोनों एक ही मीनिंग को डिनोट कर रहा है लेकिन रेलिवेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा नाउन <coughs> है एंड नाउन नहीं यहाँ पर तो जरूरत एडजेक्टिव की है क्योंकि नाउन के बारे में बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है अनफिटेड ऐसा जो फिट नहीं होता उसे अनफिटेड कहते हैं या नॉट फिटेड उसे अनफिटेड कहा जाता है सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर फोर दैट इज जर्मन मतलब कि रेलिवेंट टू अ सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पर देखिए डायरेक्शन चेंज है आपको बताना है मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू वर्ड प्रिंटेड इन दी बोल्ड मतलब यहाँ पर यह वर्ड दिया गया है एंड इस वर्ड का आपको क्या बताना है इस वर्ड का सिनोनिम बताना है मतलब कि इसका आपको यहाँ पर मीनिंग बताना होता है एंड बैंक के एग्जाम में गई एग्जैक्ट मीनिंग कोई नहीं पूछता आपको सिनोनिम पूछा जाता है मिलता जुलता मीनिंग है ना उस वर्ड का सो so, शुरू करते हैं एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ लेट्स so चेक ये जो होता है adroit, इसका मतलब होता है है वर्ड इसका मतलब स्किलफुल कह सकते हैं क्लेवर कह सकते हैं इसे बहुत ही इंटेलिजेंट क्लेवर और स्किलफुल एंड स्किलफुल में हमेशा याद रखना है एल एक ही आता है दो नहीं आता स्किल में दो एल आते है, एस के आई डबल एस स्किल होता है लेकिन यहाँ स्किलफुल में एक ही एल आता है कंफ्यूज नहीं होना है सो so, एड्रॉइड मतलब क्लेवर या स्किलफुल होता है जिसमें काफी स्किल्स होती है काफी सारी चीज़ों करने की स्किल होती है सो so, हमें इसका मीनिंग बताना है फर्स्ट वर्ड है क्लोडिश एंड क्लोडिश का मतलब होता है फुलिश बिल्कुल पागल इंसान है ना ये जिसे हम ऑकवर्ड कह सकते हैं बहुत अजीब सा बहुत बेतुका सेकेंड वर्ड है इनकम्पिटेंट इनकम्पिटेंट मतलब कम्पीट करना मतलब क्या होता है कंपटीशन uh, करना जो कैपेबल होता है तो इनकम्पिटेंट मतलब जो बिल्कुल कैपेबल नहीं है जो कम्पीट नहीं कर सकता देन नेक्स्ट वर्ड इज एंड यस डेक्सटेरस इसका बिल्कुल हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बोलते हैं शो इसका मीनिंग होता है शोइंग और हैविंग स्किल एंड स्पेशली कैसी स्किल जो हैंड्स से समझ में आती हो मतलब कोई इंसान है जो बहुत ही अच्छा पियानो बजाता है या बहुत ही अच्छा कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो हाथों से जो स्किल्स दिखाता है कोई या हाथों से काफी अच्छा होता है मतलब वो हैंड की स्किल्स में उसे हम कहते हैं डेक्सट्रस डेक्स्ट्रेस शोविंग और हैविंग स्किल्स जैसे कि तबला तबला बजाना या हारमोनियम बजा रहा है या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है या कोई ड्राइंग कर रहा है या बहुत सुंदर कुछ रंगोली निकाल रहा है उसे हम डेक्सट्रस कहते हैं सो स्पेशली हैंड्स के लिए यूज किया जाता है clumsy clumsy जो होगा ये बिल्कुल अपोजिट वर्ड होगा इसका भी मतलब होता है बिल्कुल ऑकवर्ड ये जिसे हम फुलिश कह सकते हैं कॉकी का मतलब भी यहाँ पर होता है ऑकवर्ड या जिसे हम क्लमजी भी कहते हैं क्लमजी ऑकवर्ड सो ये जो वर्ड है फोर फाइव एंड क्लॉडिश ये सारे एक दूसरे के synonym है मतलब कि ये ये जो वर्ड है इस वर्ड के ये हो जाएंगे क्लौ, क्योंकि हमें इसका बताना है सो करेक्ट चॉइस हियर वुड बी ऑप्शन नंबर थ्री दैट इज डेस्टरस मतलब कि बहुत जो स्किलफुल इंसान होता है उसे हम कहते हैं डेक्स्टरस नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम नाउ कहा जा सकता है इसे आप कह सकते हैं कन्फ्यूज सिंपल लैंग्वेज में कन्फ्यूज हो जाना बिल्कुल बैफल्ड हो जाना सो फर्स्ट है इराडियट एंड यहाँ पर ये जो वर्ड है एल्यूमिनेट ओके तो so, ये जो इराडियट है एंड इल्यूमिनेट है दोनों वर्ड के मीनिंग बिल्कुल सेम होते हैं एंड दोनों का जो मीनिंग होता है वो होता है अप कहीं पर आ, मतलब किसी किसी जगह पर रोशनी रोशनी जलाना या लाइट करना या जिसे हम कह सकते हैं ब्राइटन या जिसे टॉर्च टॉर्च ग्लो करना ये भी हो सकता है इेडिएट या इल्यूमिनेट या जिसे हम सिर्फ कहते हैं लाइट लाइट मतलब वर्ब वाला लाइट

एडवाइज या बताना या किसी अच्छे टॉपिक के बारे में अच्छा नॉलेज देना लाइफ के बारे में उसे हम कहते हैं एनलाइटन सो so ये भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा नेक्स्ट वर्ड इज बिम्यूज एंड बिम्यूज का मतलब भी यहाँ पर होता है पजल एंड पजल मतलब भी होता है कंफ्यूज, बैफल या परप्लेक्स तो so यस yes, ये बोकार इसी का मतलब हो जाए पजल हो जाना ये कंफ्यूज हो जाना है ना पजल सॉल्व करते हो ना पजल मतलब होता है क्या कन्फ्यूजन उस कन्फ्यूजन को आपको सॉल्व करना होता है सो so यहाँ पर ये इसका बिल्कुल सही सर होगा किंडल किंडल वर्ड भी यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि किंडल वर्ड मतलब होता है किसी को अराउज करना किसी को उकसाना हम कह सकते हैं या इसे आप राउज या वेक कह सकते हैं या सुलगना या सुलगाना है ना ये होता है इसका हिंदी मीनिंग

Time up, guys. One more minute. Let's check. इम्पर्चिनेंट एंड यहाँ पर आपको बताना है इसका अपोजिट इसका मतलब होता है नॉट शोइंग प्रॉपर रेस्पेक्ट या हम जिसे कह सकते हैं जो रूड होता है जो रेस्पेक्ट नहीं करता है जो सही तरीके से दूसरों से बात नहीं करता है जो पोलाइट नहीं होता है उसे हम इम्पर्चिनेंट कहते हैं सो रूड रूड तो इसका क्या हो जाएगा सिननिम हो जाएगा हमें तो अपोजिट बताना है इनसोलेंट इनसोलेंट का मतलब भी यहाँ पर होता है रूड या जो इमपोलाइट होता है जो पोलाइट नहीं होता है सो अगेन इम्पर्टिनेंट का ही ये सिननिम हो गया मतलब मतलब कि ये सारे same ही हैं हैं का मतलब होता है toxic, जिसे हम कह सकते या आप इसे कह सकते हैं देन नेक्स्ट वर्ड इज पोलाइट पोलाइट वर्ड इसका बिल्कुल अपोजिट होगा तो यस करेक्ट चोइस इज पोलाइट होस्टाइल होस्टाइल का मतलब होता है एग्रेसिव या जिसे हम कह सकते हैं बेलीजरेंट बेलीजरेंट मतलब बिल्कुल जो शत्रुता है ना ये हॉस्टाइल का हिंदी मीनिंग होता है शत्रुता पूर्ण मतलब जिस शत्रुता हो जो हमसे झगड़ा करे जो हमसे वॉर करे जो गुस्सा करे उसे हम हॉस्टाइल कहते हैं सो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर फोर दैट इज पोलाइट क्योंकि इम्पोर्टिनेंट मतलब इम्पोलाइट जो पोलाइट नहीं है जो रूड है है ना बहुत ही हार्श है उसे हम इम्पर्टिनेट कहते हैं सो पोलाइट यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका एंटरनेट नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहां पर जो वर्ड है है एग्जिल्ट एंड इसका आपको बताना है अपोजिट सो टाइम अप गाइस लेट्स चेक

एंड एंड बहुत सारी खुशी मनाते हैं, खुश होते उसे कहते सो so, मतलब तो so, दोनों का मतलब यहाँ पर होता है दुख प्रकट करना किसी की डेथ हो जाती है बहुत कुछ बुरा हो जाता है जब हम सौर एक्सप्रेस करते हैं उसे हम कहते हैं हमारा जो दुख प्रकट करते, करते उसे हम कहते हैं मर्निंग या ग्रीव है ना सो so, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन ऑफ सोरो इसे हम कहेंगे एक्सप्रेशन ऑफ of...

अब यहाँ पर मैं आपको बताना है रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देर इज इन ग्रामेटिकल और एजियोमेटिक एरर इन इट सो ग्रामेटिकल या एजियोमेटिक एरर आपको यहाँ पर किसी ईडीएम में कोई एरर होगी ये फाइंड करना है द एर इफ एनी विल बीन एनी वन पार्ट ऑफ देंटेंस डायरेक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है होता है ऐसा लगता है कि वही डायरेक्शन है जो हमने प्रैक्टिस किया लेकिन कई बार न्यू चीजें यहाँ पर इम्प्लीमेंट uh, कर दी जाती है द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज आंसर इफ देर इज नो एर आंसर इज ई मतलब कि जिस पार्ट में एरर है उस पार्ट को आपको एज आंसर सेलेक्ट करना है एंड अगर कोई एरर नहीं है तब आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई एंड यहाँ देखिए बोला है इग्नोर एरर्स ऑफ पंक्चुएशन मतलब कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऐसा कोई एरर जो है उसे आपको इग्नोर करना है मतलब उसे यहाँ पर एरर नहीं माना जाएगा फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा उसे आपको यहाँ पर कंप्लीटली इग्नोर करना है तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ टाइम अप गाइस वन मो मिनट बिल्डिंग द सिक्योरिटी गार्ड कॉल देखिए हार्डली हार्डली मतलब मुश्किल से है ना मुश्किल से शी हाड, हाड के साथ वो यहां तक तो बिल्डिंग नाउन है नाउन के लिए the, यहां तक तो बिल्कुल सही है व्हेन व्हेन भी बिल्कुल सही है जो हमेशा याद रखना है जब भी आता है हार्डली इसके साथ आगे व्हेन ही यूज किया जाता है कंजंक्शन की तरह सो हार्डली व्हेन शी द बिल्डिंग व्हेन सिक्योरिटी गार्ड जब सिक्योरिटी गार्ड ने क्या किया कॉल्ड एन इनफॉर्म ओके ओके एरर ये ए पार्ट में होगा ए पार्ट सही नहीं है देखिए एक रूल यहां पर होता है कि जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है हार्डली से या नो no सुनर से या जितने भी एडवर्ब है दुनिया में किसी भी एडवर्ब से जब किसी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है तब ये जो असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है ये फॉलो नहीं किया जाता है तब जो फॉर्मेशन होती है सेंटेंस की वो इन्वर्जन वाली होती है इन्वर्जन फॉर्म अब इन्वर्जन फॉर्म में क्या होता है कि पहले वर्ब आता है देन सब्जेक्ट आता है जैसे नॉर्मल हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं ना उसमें क्या होता है पहले सब्जेक्ट आता है देन वर्ब आता है जैसे यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट आया है एंड देन यहाँ पर ये जो हैड है ये वर्ब आई है, ओके okay, जैसे मैंने कहा okay, तो आई वेंट टू दी मार्केट ओके आई वेंट टू समेर वर्ब आई तो नॉर्मल सभी में हमेशा ऐसे याद रखना है कि सब्जेक्ट पहले आता है फिर वर्ब लेकिन जब इन्वर्जन फॉर्म यूज किया जाता है ना किसी भी सेंटेंस का तो इन्वर्जन में क्या हो जाता है पहले वर्ब आती है देन सब्जेक्ट आता है

मतलब वर्ब की जगह सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह वर्ब सो so, एरर यहाँ पर ए पार्ट में था ओके okay? क्योंकि जब पढ़ते हैं ना तो ऐसी हमें आदत होती है हार्ड शी हेड बिल्कुल ये पढ़ लेते हैं और ऐसा लगता है बिल्कुल सही साउंड करता है तो सही लगता है लेकिन ऐसा नहीं है रूल्स होते हैं रूल्स को रिवाइज़ करना ज़रूरी होता है एंड एकदम फर्स्ट टाइम पढ़ने से समझ में नहीं आता है लेकिन जब भी ये हार्डली दिख जाए जब भी नो सुनर दिख जाए जब भी रेयरली दिख जाए या कोई भी एडवर्ब ऑफ टाइम या कोई भी कोई भी एडवर्ब दिख जाए आपको फ्रिक्वेंसी का हमेशा याद रखना है इन्वर्जन फॉर्म ही यूज़ किया जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं जनरली एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी हार्डली रेयरली ऑफन इस तरीके के यूज किए जाते हैं सो so, एरर जो है ये ऑप्शन नंबर ए में ही है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ

बिल्कुल सही है विद अ कंप्लीट प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन नाउन हो जाएगा कंप्लीट एडजेक्टिव हो जाएगा आर्टिकल इस प्रेजेंटेशन नाउन के लिए वाज क्यों क्यों uh, मतलब वो क्यों फेल हुई इस प्रेजेंटेशन uh, को अटेंड uh, करने में वाज बिकॉज बिकॉज यहाँ पर बिल्कुल गलत है इट शुड बी दैट शी वाज अनवेल्थ क्योंकि वो अनवेल थी वो सिख थी अब हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आएगा द रीजन व्हाई जब भी आता है द रीजन वाई इसके साथ आगे आने वाला जो वर्ड होगा वो दैट होगा या जो कंजंक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा दैट होगा यहाँ पर बिकॉज का यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि द रीजन के बाद दैट ही फॉलो होता है ना कि कोई और कंजंक्शन का यूज किया जाता है सो हियर एरर इज इन पार्ट पार्टी सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट डिस सेशन थैंक यू वेरी मच